नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सरुराई। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को जो लेटेस्ट बाइक आ रही है जिसमें डिजिटल मीटर लगा रहता है, इसके बारे में एक सटीक जानकारी देने जा रहा हूं। उस मीटर को आप देखिए, ये मीटर का कार्ड है। इसमें गौर से आप देखिए, पूरा कार्ड डैमेज है। इतना मॉइस्चर लगा हुआ है इसमें, इतनी नमी है कार्ड के अंदर कि जितने जो इसके प्रिंट होते हैं, कॉपर के जो प्रिंट होते हैं, पूरे फूल चुके हैं। कहीं कहीं तो ये आईसी के जो पॉइंट हैं, ये देखिए गौर से, आईसी के जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट पूरे ब्लैक हो चुके हैं, क्योंकि इनका पीसीबी से पिन का सपोर्ट ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक बैक साइड में भी देखिए, पूरी पीसीबी में मॉइस्चर के, नमी के, जंग के स्पॉट्स हैं। इसका जो डिस्प्ले है, इसको भी गौर से देखिए, इसमें एक स्पॉट आ गया है। और ये ऊपर का जो इसमें स्क्रीनिंग होती है, ये पूरी फूल चुकी है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम आप लोगों को एक सही राय रास्ता देने जा रहे हैं। इस प्रकार की जितनी भी गाड़ियों में मीटर होते हैं, वो बहुत ही हाई सेंसिटिव मीटर होते हैं। इनका रखाव बचाव हमें कैसे करना है? इन मीटरों में आमतौर पर क्या होता है, ज़रा सी भी अगर लूज कॉन्टैक्ट हो जाए तो ये फॉल्ट हो जाता है इसमें, और ये वर्क नहीं करते हैं। इस प्रकार की मीटरों को हम पुनः कैसे चालू करें, इनकी कैसे सुरक्षा करें, इनकी सुरक्षा करने के लिए हमें कुछ सावधानी बरतनी होगी। ये देखिए, उन सावधानियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो किसी अच्छे मैकेनिक के यहाँ इस मीटर को आप ले जाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग मेरे यहाँ लाएं, मेरा कहने का मतलब किसी अच्छे जानकार मैकेनिक, इंजीनियर टाइप मैकेनिक के यहाँ इसको ले जाएं। इसका पूरा मॉइस्चर, इसकी नमी, जंग साफ कराएं। आम तौर पर इसमें ऊपर साइड में क्या होता है, एक रीसेट बटन लगा रहता है, ये देखिए, जिसको मीटर की जो काउंटर होता है उसको रीसेट किया जाता है। इसमें एक लीक प्रूफ वाटर सील लगी रहती है, वह सील अगर कट जाए तो बरसात के दिनों में ऊपर से पानी पहुंचने लगता है और हमारा ये मीटर डैमेज हो जाता है। ऐसे हालात को देखते हुए आप लोगों को बहुत ही ध्यान देना है कि इस वाटर ग्रिप की जो सील है, कंपनी पे जाएं, इसकी नई सील लगवाएं, या फिर इसको अगर यूज नहीं करना है तो प्रॉपर इसको एम सील के द्वारा बंद कर दें। बाकी तो इसकी ग्रिप सी होती है, जो इसमें एक औरन लगी रहती है, ये लगी है, पीछे साइड से कहीं पानी का इसमें सवाल नहीं उठता है। अब हम आपको इसको बताएं ये कैसे साफ किया जाता है। इसको साफ करने के लिए आपको ताज़ा और फ्रेश पानी लेना है, थोड़ा सा साबुन कपड़े धोने वाला, हल्के ब्रश से इसको धीरे धीरे साबुन की मदद से पूरा इसको साफ करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इधर आप बोल रहे थे कि गाड़ी में पानी चला जाए तो गाड़ी का मीटर ख़राब हो जाता है, और ख़ुद आप इसको साबुन से साफ कर रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको, पानी प्रॉपर जाने वाला अलग होता है, पानी से किसी वस्तु को, किसी पीसीबी को या किसी भी सर्किट को साफ करने के बाद में सुखा कर उसमें केमिकल लगाना अलग बात होती है। प्रॉपर पानी जाने से इसके प्रिंट फूल जाते हैं और वह कार्ड को ख़राब कर देती है। हम यहाँ पर इसको साबुन, ब्रश और पानी की मदद से इसका जो मॉइस्चर है, इसकी जो जंग है, पूर्णतया साफ कर रहे हैं। आईसीओं की प्रिंट पर इसमें कुछ कार्बन लग गए हैं, वो कार्बन हम इसके साफ कर रहे हैं। साफ करने के बाद में तो देखिए आप लोग, इसमें जो मॉइस्चर थी, इसमें जो नमी थी, ये पूरा मैंने
प्राप्त कर दी है। आम आदमी ऐसा करने से डरेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो मीटर थोड़ा बहुत भी वर्क कर रहा है वो भी ना ख़राब हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रेगुलर पानी जाना अलग होता है। मैंने फिर भी रिपीट कर रहा है आप लोगों, रेगुलर पानी जाना अलग होता है। अचानक पानी से किसी भी चीज़ को साफ़ करते हैं, साफ़ करने बाद धुल देते हैं केमिकल लगा के, उसको हॉट गन से या सनलाइट से उसको अच्छी तरह से गर्म कर देते हैं। ये देखिए कितना कचरा निकल रहा है इसमें, ये देखिए पूरा जमा हुआ, ये देखिए कितना कचरा इसमें जमा हुआ निकल रहा, पूरा पूरा कचरा इसका साफ़ हो जाएगा। सही रूप से ये इंडिकेट करने लगेगा, सही रूप से रीडिंग देने लगेगा और आपका मीटर पुनः नए जैसा कार्य करने लगेगा। तो मीटर की इस प्रकार सावधानी करने के लिए आप लोग इतना ज़रूर करवाएं कि मीटर में धूल है, धूल में मिले हुए मिश्रित कार्बन के कण हैं आदि सब स्टोर हो जाते हैं, अतः हमारी सर्किट को डैमेज कर देते हैं। ये देखिए देखिए आप लोग, क्या आप लोगों को पहले ही जैसी ये पीसीबी ये कार्ड लग रहा, इस कार्ड की अच्छी तरह से पूरी सफाई हो चुकी है, कितना बढ़िया नया जैसा ये लगने लगेगा। अब इसको हम हॉट गन से गर्म करके सुखा देंगे और इसमें केमिकल लगा देंगे। तो मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट तरुरई, आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर विशेष जानकारी देता हूं। इस कारणवश आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। नमस्कार। देखिए आप लोग, इस मीटर का कार्ड हमने साबुन के द्वारा अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था, इसकी मॉइस्चर, इसकी नमी, इसकी कार्बन को हमने बिल्कुल साफ़ कर दिया था। साफ़ करने के बाद में अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो मीटर बेकार हो गया, ये चलेगा भी नहीं, क्योंकि हमने इसको पानी से धुल दिया था। लेकिन आप देखिए, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये मीटर की डिस्प्ले, जैसे ही हम 12 वोल्ट को उसको कनेक्ट करेंगे, ये देखो आपका मीटर रन कर गया और ये आपके नंबर भी आने लगे। ठीक है, जैसे ही 12 वोल्ट कनेक्ट करेंगे नंबर आएंगे और मीटर हमारा पूरा रीडिंग देने लगेगा। ठीक है, 12 वोल्ट जैसे हम कनेक्ट करेंगे, ये देखिए ये आपका मीटर, ये आपका डिस्प्ले आने लगा है, ये काउंटर भी बताने लगा, सब कुछ बताने लगेगा। ये देखिए जैसे हम 12 वोल्ट का करंट आउट करेंगे और फिर जैसे हम 12 वोल्ट को कनेक्ट करेंगे, ये पूरी रीडिंग देगा, ये डिस्प्ले भी आने लगेगी। तो देखा आप लोगों ने, धुलने के बाद तुरंत इसको हॉट गन से गर्म करके इसमें केमिकल लगाकर पीसीबी पर हमने दोबारा इसको कनेक्ट कर दिया, दोबारा इसको फिट कर दिया, पूरा मीटर प्रॉपर सही हो गया। अब इस मीटर की लाइफ काफ़ी हो गई है, ये काफ़ी दिन तक ठीक ठाक चलेगा। नमस्कार।